तो कल एक टेस्ट हुआ था, मतलब अभी हमें एक पूरा दिन भी नहीं हुआ और एक डेढ़ दिन में ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड के 3 से 4 बार ब्लड की, यूरिन की, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हो चुके तो हैं। अभी देखिए हमने डॉक्टर को दिखा दिया है और कल के लिए हस्बैंड को एडमिट करने के लिए बोल दिया है। और अभी एक कोई सा और टेस्ट हुआ है, कौन सा हुआ हमें नहीं पता, कल पर कल सुबह 8 बजे एडमिट करना है। तो जैसे हम आज ही निकल जाते ना, पर अभी नहीं जाना है अभी हमें, तो बस हम जो यहीं पे कराएगी कमरे हैं पीछे साइड, वहीं हम कमरे देखने के लिए जा रहे हैं। पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, उसके बाद कमरा मिलेगा। यहाँ पे ये हमें ये वाला कमरा मिला है, ये सारे पेशेंट के हिसाब से ये पूरे कमरे हैं। और ये यहाँ पे चढ़ के बैठे हैं क्योंकि पूरी जगह पानी 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 भरा हुआ है। तो अभी चाबी देने आएंगे वो। सच में बहुत 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 इतना मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो अम्मा देखो अपन को बार बार टकरा रही है लोगों ने, इनका ट्रांसप्लांट होना। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे थे, कोई डॉक्यूमेंट लगे हैं। और यहाँ पे एक कमरे अभी देखे नहीं बाहर से, बस पता है क्योंकि जब हम पिछले बार आए थे उस सामने साइड रहते थे, पर अभी वो पूरे फुल हो चुके हैं तो यहीं पे होंगे। और कल सुबह सुबह इनको एडमिट के लिए बोला है, और मतलब बहुत सारी अलग अलग जांचें हुई हैं। और बायोप्सी सर ने ये बोला ये पता चलेगा कि किस वजह से ख़राब हो रही है, कोई और बीमारी तो नहीं पनप रही है, और बहुत कुछ बोला। 1-1.5 घंटे सर से बात हुई हमारी, और मेरे भी समय बात हुई, तो वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़रूरी, मेरा तो एक तरफ ये मान के चली है ना, कर लो थोड़ी बात। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है ना, मेरी हालत देख सकते हैं आप, क्योंकि घर में ही मेरी तबीयत सी ख़राब रही है ना, बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं है। और आज बहुत ज़्यादा ब्लड निकला है, कम से कम 2 से 3 बार तीन बार जांच ही नहीं लग रही थी, तो बस वही कमजोरी कमजोरी टाइप की लग रही है। और बस एक चिंता इस डर से सता रही है कि क्या होगा क्या नहीं, है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या हो। तो बस अभी हम यहीं आए थे ना रूम देखने, तो इनका 2-3 बार जैसे कि चेकअप हुआ है और बहुत सारा ब्लड निकाला गया, बहुत बहुत सारा ब्लड निकाला गया, क्योंकि हर बार की चेकअप में ब्लड से ही चेकअप होता है ना। अच्छा, तो रिपोर्ट हर दूसरा कमरा वो है जो हरी बल्टी के उस साइड वाला मैं पोछे का वो दिख रहा होगा साड़ी बकरी, उसके जस्ट सामने वाला हमारा कमरा है। और अभी वहाँ पर सफाई चल रही है क्योंकि बहुत गंदा कमरा था, तो हमने कहा एक बार साफ कर दीजिए आंटी, साफ सफाई करने वाले हैं। और तो उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जाला है, बहुत मतलब डस्ट भी बहुत ज़्यादा है इसलिए। और यहाँ पे स्टोव का खाना बनाना अलाउ है, पर गैस आप नहीं रख सकते, तो हालांकि हम ऐसा खाना नहीं बना पाएंगे, है ना, कौन बनाएगा। और वो देखिए जहाँ से आंटी निकली ना, वो हमारा ही रूम साफ़ हो रहा है, ये हमारा ही रूम साफ हो रहा है, जो वो आंटी हैं ये। वो हमारा कमरा साफ हो गया था, अब हमने कहा कि बहुत ज़्यादा देखिए, एक तो ट्रेन के लंबे सफ़र में ऊपर से यहाँ से जाना वहाँ से जाना, डॉक्टर यहाँ पे दौड़ा भागी कर रहे थे। और हॉस्पिटल के काम ऐसे होते हैं, ये आपको भी पता होगा, और मैं तो भगवान से प्रे करूँगी भगवान कभी किसी को हॉस्पिटल के चक्कर ना लगवाए,
मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। और अच्छा हुआ कि मैं देव को नहीं लेकर आई, क्योंकि हर जगह मास्क, और फिर ये ऑफिस जाना, कहीं वो डॉक्टर के पास जाना, ये लिखवा के लाओ, वो लिखवा के लाओ, क्योंकि हमारा ट्रांसप्लांट हो चुका ना, इसलिए बहुत ज़्यादा सब डर भी रहे थे। और इसमें रिस्की है, आप मानिए ना मानिए, है ना, कोई भी और भी है वो भी थोड़ा सा डर रहे थे। तो ये हमारे पलंग है, यहाँ पे गद्दे हमें मिले थे, पहले हमने देखे अच्छे से, झाड़ू पोछा तो लगवा लिया था। और सैनिटाइज़र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं सारे पेशेंट लोग सोते हैं, कौन से पेशेंट यहाँ पे सो रहे थे। यहाँ पर चार्जर लगाने का भी है, और पंखे भी हैं, दो पंखे दिए गए हैं, अच्छी लाइट है, सब कुछ ठीक था। और थोड़ा सा भी पोछा गीला था ना, तो थोड़ा गीला गीला भी था, तो मैंने सोचा कि चलो, हस्बैंड बहुत देर के हम बाहर बैठे थे, मतलब हमें मकान मिला था 4 बजे करीब, क्योंकि 1 घंटे ना ये बहुत पूछताछी करते हैं जो मकान देते हैं ना यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं किस लिए आए, क्या चाहिए है, और एडवांस बहुत ज़्यादा जमा करते हैं। तो 2000 तो इन्होंने जमा करवाया है, 1500 रुपए इन्होंने जमा करवाया है, और 2-3 दिन 4 दिन जितने के हिसाब से फिर वो बाद में बिल बनता है, कटता है। और यहाँ पे मैंने इनको चादर इसलिए बिछा दिया कि ये थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो इनको अच्छा लगेगा, है ना। और रूम में ही बैठे हुए हैं, थोड़ा कपड़े चेंज कर लें तो दिमाग भी शांत होगा और मन भी हल्का होगा। क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ट्रेन का सफ़र था ऊपर से यहाँ वहाँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं एक बार नहा लूँगी ना तो थोड़ा मेरा रिलैक्स लगेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा था, तो हस्बैंड ने नहाया नहीं था, उन्होंने मुंह हाथ धुला था। हाँ, पर मैंने नहाई थी, मैं घर से हम कपड़े रख के लेकर आए थे, हर बार नहीं लेके आते, इस बार लेकर आए थे। तो अभी एक बार शाम को डॉक्टर ने बुलाया था, बोला था कि अगर जो बाद में रिपोर्ट हुई है, अगर वो आपकी आज डेट में मिल जाएगी तो हमको फ़ोन कर लेना। तो हमने उनको फ़ोन किया था अभी शाम को, सर के जाने से पहले, जब वो राउंड लगाते हैं ना करीब 5:30-6 बजे, तो एक बार और उनसे मिलना है। अब किस लिए मिलना था वो मुझे भी नहीं पता था, हस्बैंड और डॉक्टर के बीच बात हुई हो, जो भी हुई हो। तो फिर हम वहाँ पर भी गए थे, और कुछ यहाँ पे देखिए पानी की बॉटल लेने आए थे, क्योंकि वहाँ ना पानी पी नहीं सकते, और वहाँ का पानी, क्योंकि आपको पता है कि इनको किसी का पानी पीना है, तो 2 लीटर वाली पानी खरीद ली है। अभी शाम का टाइम है और हम अपने रूम से ही निकले हैं, तो वो देखिए पीछे की हमारी बिल्डिंग दिख रही है, पर इस बार हमने बाहर नहीं लिया, क्योंकि देखिए 1 दिन का वैसे भी यहाँ पर भी पता किया तो 700 रुपये बोल रहे, छोटी वाली बॉटल ले लो ना, 700 बोल रहे थे, तो हमने वहीं पे ले ली। वहाँ पे हम इतना ज़्यादा नहीं है, वो उसी में काउंट करके बताएंगे जब छुट्टी होगी आपकी। और तो बस ये 2 लीटर की पानी हमारी रात तक के लिए हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कंडीशन में ना पानी इनको कम से कम 5-6 लीटर पानी पीना है। अभी ठीक लग रहा, और कल भी टेस्ट हुए थे, आज भी हुए, अभी शाम को एक रिपोर्ट और आई है, पता नहीं वो किस चीज़ की है, कई रिपोर्ट के बारे में मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर ही बताएंगे। तो अभी बस, और देखिए 2-3 दिन का एक्स्ट्रा ये खर्च हो गया, पानी की बोतल लाना, इनका कैंटीन से खाना, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हमारा रूम होता तो चलिए कोई खर्च नहीं था, यही है। तो बस हम यही बात कर रहे थे कि देखिए हर चीज़ का डबल डबल खर्च लगेगा, हम सबसे ही बोले हैं कि सर जितनी जल्दी हो हमें छुट्टी दे दीजिएगा। और अभी बात की सर से, उसको लेके कि थोड़ा सा कम चार्ज करिए, तो अभी कोई नहीं बोला, बोले कल देखेंगे, कल आप आना, बस सुबह कल लगने 5000 रुपये,
आज ही की कल से लेके आज तक की जो जांच वो 3,000 की जांच हो गई। हम कितने पैसे रख के लाए थे? 20,000 रुपये। अभी कितना बचा है? 3,000 खर्च हुआ, 2,800 2,800 खर्च हो गया समझ लीजिए। तो यही है, अब चलो हॉस्पिटल के अंदर भी आ गए, हम चलते हैं अपने रूम रूम जा रहे हैं। तो हमारा देखिए गार्डन के अंदर से ही रूम है और यहीं से आना जाना है। पहले हमने वहाँ लिए थे रूम, सामने देख रहे हैं ना, पर अभी यहाँ पे हैं क्योंकि वो कोई भी रूम खाली नहीं है इस वजह से। और इतने में ही हम बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा वाले। तो अभी चाय भी पी कर आए हैं, काली चाय पी है आराम से। लो चाबी, हम खोलेंगे, लो चाबी खोलते हैं। यहाँ ताला लगा, नहीं जो नहीं जो नहीं जी है। नौ नंबर है, याद रखो जी है, नौ नंबर है ऊपर। लाइट सर हमने खाई नहीं थी, हम यहीं पर लेकर आ गए थे, चार पांच जितनी भी रखी थी कुछ देव को देकर आ गए। तो हम सोच रहे हैं यहीं पे हम खा लें, और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। अभी देखिए शाम का मौसम हो गया है अभी, है ना। देखिए ये भर्ती होने का मेरे हस्बैंड को बोल दिया, अभी बस हम आकर बैठे हुए हैं और कल सुबह 8 बजे भर्ती होना है। ये भर्ती होने का है, इसी में सुबह ही पैसे जमा करने हैं ना हमें, और सारे ये लिख के दिया है डॉक्टर ने। तो देखिए कल की डेट का है, 9/2022 है। दिमाग काम करना बंद कर दिया है मेरा तो सच में यार। ये है, ये भी वहीं पे जमा होंगे, मैं भी अभी देख रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ। बहुत सारे पेपर दिए हैं क्योंकि भर्ती होना सुबह 8 बजे, और ये देखिए 5,000 ये अमाउंट लिखा है, भर्ती होने के 5,000 है। बाकी एक गन भी होगी, वो भी 3-4 हज़ार रुपये की है। और क्या क्या है ये सारे ऐसे ही जमा देती। दो पर्चे हैं ना सेट, वो गन का था, वो छोटा पर्चा कहाँ है इसमें? हम तुमसे वही तो पूछ रहे हैं। नहीं तो अब सर ने कहाँ लगाए हैं? दी थी ना सर ने कि गन यहीं से मिलेगी, तुमने उसको क्या बताए थे? हाँ वही वही लेना है, वो उसी में लिखा है। अभी ये बहुत सारे इसमें और भी जो गन वगैरह पता नहीं किस किस की चीज़ में जो काम लग रहे थे, उसका सारा पेमेंट कल ही होना है। और ये अभी बस आराम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी मैंने उनको बोला कि तुम चाय पी लो, पर नहीं पी रहे, बोल रहे आरती मुझे नहीं पीना, मेरा मन नहीं है। उससे घर में पी लेते पर यहाँ पे नहीं है। और देव को हमारा एक फ़ोन था, देव को फ़ोन देके अभी देव से वीडियो कॉलिंग में बात की तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वैसे उसकी मेरी पूरी आत्मा ना उस पर रखी हुई है कि बताइए, वो तो एक इतना छोटा सा है, एक वहाँ पे मेरा आधा दिमाग है, आधा दिमाग मेरे हस्बैंड के साइड है। बट अभी मेरे हस्बैंड के लिए ये ज़रूरी है कि हमें कल अच्छे से फ्रेश मूड से अपने हस्बैंड का ये एडमिट कराना है। और एडमिट यहाँ पे बोला है कि कल की डेट में आप एडमिट होइए, भर्ती होइए,
और सुबह से ही ये जो बायोप्सी जांच होगी। क्या बोला था जब तुमने पूछे थे पहले, सुनी है? फिर भी कुछ बोले थे ना? तो जब इन्होंने डॉक्टर से पूछे तो उन्होंने बोला इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया तब क्या डरने की बात है, बट फिर भी डर लगता है ना। तो बोल रहे थे कि वो तो ऐसे नहीं बताया, और कैसे रात कटेगी वो मुझे बिल्कुल नहीं पता अभी तो। मेरे भी कुछ टेस्ट हुए हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी ना। तो चलिए ठीक है, अब हम आपसे कल मॉर्निंग में मिलते हैं, अभी तो नाइट का समय है ना। चलिए बाय बाय, और प्रे करिएगा कि मेरे जो हस्बैंड का है वो डर ख़त्म हो जाए और वो अच्छे से अपना चेकअप करा लें, क्योंकि एक डर है जो वो भय है, भयंकर वाला भय है उनको। तो हिम्मत मिलेगी, आप लोग के कमेंट आएंगे तो उनको शायद अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे सपोर्ट में, वैसे तो आप सपोर्ट में रहते हैं। चलिए हो सके तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। अगर आप हमारी कोई थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं, तो आप बोल रहे थे कि आरती हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो मेरे जो वीडियो के नीचे थैंक्स बटन का ऑप्शन आता है ना, आप उसमें जाके मुझे मदद कर सकते हैं थैंक्स बटन में। चलिए ठीक है, बाय बाय, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।